एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन उसे भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान दी हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया और कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौओं ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा, चप्पल दान दी है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है परंतु धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई धरती पर वापस आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके वापस आ गई है। जब वह अपने घर को गई तो बहु बेटे ने भूत समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियम के अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकार नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसिन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसिन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसिन ने सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग का वास दिया, वैसे सभी कहने सुनने हुंकारा भरने वालों को स्वर्ग का वास दो। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।